नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के किन किन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के अलर्ट को जारी किया गया है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 38 जिलों में से लगभग 35 जिलों में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है, जिसके बाद भारी गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। बिहार में पिछले कई दिनों से मौसम की स्थिति लगातार शुष्क बनी हुई थी। हालांकि एक दो दिनों से तापमान में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। वहीं राज्य के 35 जिलों के लिए अगले 2 से 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का असर देखने को मिला है, जिसके तहत बिहार के फारबिसगंज में 11 मिलीमीटर, जमुई में 10 मिलीमीटर, कहलगांव में 7 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 6 मिलीमीटर और आमौर में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस समस्तीपुर में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान छपरा में 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि राज्य में मौसम शुष्क बना रहा और कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, उसको लेकर मौसम वैज्ञानिक ने भी अपना बयान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर फैली हुई है। इसके प्रभाव से राज्य में 2 से 3 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है, जिसके बाद बिहार के जिन भी जिलों में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश होने की संभावना दिख रही है और खास करके येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, पटना, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया जिले के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार का मौसम पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। बादलों की आवाजाही के बीच ठंडी हवाएं लोगों को खुशनुमा एहसास करा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार के अनुसार ट्रफ लाइन को फिलहाल बंगाल की खाड़ी से काफी नमी मिल रही है। कई जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।